प्रार्थी। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स ने मीडिया पर बढ़ते हुए दबाव, गैर एलानिया सेंसरशिप, सहाफियों की गुमशुदगी, हुकूमत और इदारों की जानिब से मुदाखलत के बायस पैदा होने वाली सूरतहाल पर गहरी तश्वीश का इजहार किया। एमएंड ने वजीर आजम से सूरतहाल का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। एमएंड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के हंगामी इजलास में मौकफ इख्तियार किया गया कि हुकूमत और मुख्तलिफ रियासती इदारों ने गैर एलानिया सेंसरशिप नाफिज कर दी है, अवाम को मालूमात के हक से महरूम रखने और सूरतहाल की एकतरफा अक्कासी के लिए दबाव डाला जा रहा है। इन हालात में आजाद गैर जानबदाराना सहाफत और अवाम को असल हकायक से आगाह करना मुश्किल बना दिया गया है। एमएनडी ने वजीर आजम से जबरी गुमशुदगियों का नोटिस लेकर इन अफराद को बाजियाब कराने का मुतालबा भी किया। एमएनडी ने अमली जदोजहद के लिए मुशावरत और राबतों की मंजूरी भी दी। इस सिलसिले में सीपीएनई, पीएफयूजे, पीबीए, एपीएनएस और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातें करके मुश्तरका कमेटी कायम की जाएगी। ये कमेटी वजीर आजम, हुकूमती और अपोजिशन कायदीन को अपने मौके से आगाह करेगी। एमएनडी ने वजीर आजम, सियासी कायदीन, चेयरमैन पैमरा, वफाकी हुकूमत, आईएसपीआर, इंसानी हकूक और आलमी सहाफती तंजीमों को खतूत लिखने का फैसला भी किया। वजीर आजम से मुतालबा किया गया है कि तमाम मीडिया स्टेक होल्डर से राबता करके मामलात बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करें।